हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ निर्ला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, अपने कर्तव्य को पहचाने। जैसे यहोशू 24 अध्याय उसके 15 आयत में लिखा, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को देखना चाहते हैं जो एक आदमी कभी नहीं देख सकता, तो उसके लिए आपको यहोशू की तरह एक फैसला लेना पड़ेगा कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। फिर वह व्यक्ति जो हर रविवार और वीरवार को चर्च जाता है और अपनी आशीषों के लिए मांगता ही रहता है, आपके पास उससे भी ज्यादा आशीष होंगे, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने से परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं मसीह में आया तो मैं पहले से और ज्यादा बीमार परेशान हो गया था। मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक और ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन मैंने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। फिर जब मैंने सेवा करनी शुरू की तो परमेश्वर धीरे धीरे मुझे चंगा करता गया, आशीषित करता गया, और आज परिणाम आपके सामने है कि परमेश्वर ने मुझे कितना आशीषित किया है। आमीन। बाइबल बताती है कि यीशु ने इस्राएलियों से कहा कि तुम लोगों ने परमेश्वर के कामों को देखा है, समुद्र को दो भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, लेकिन अभी भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर सेवा करना सिर्फ प्रेरितों या पास्टरों का काम होता तो यीशु लोगों को यह न कहता कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब है कि आप मैं से जितने लोग ने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, आप सभी परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने गए हो। आप बाइबल में देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भी परमेश्वर की सेवा की, उनके वंश ने कभी भी इस धरती पर टुकड़े नहीं मांगे। जब हम बाइबल में यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। अगर आपको एक देश का प्रधानमंत्री बोले कि मैं तेरा आदर करूंगा, तो वह आदर दुनियावी रीति से होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर आपका आदर करेगा तो जरा सोचे कि वह आदर कैसा होगा। इसलिए जो सेवक अच्छी रीति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, लोग उनके खिलाफ जो कुछ मर्जी बोले, लेकिन उनका आदर हमेशा बढ़ता ही रहता है। आपके रोजों से वो हल नहीं हो सकता, आपकी प्रार्थना से वो हल नहीं हो सकता, जो परमेश्वर की सेवा करने से हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। वो आदर आपके घराने से, आपके रिश्तेदारों से, आपके समाज से होकर आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, लोग यह सुनकर तेरा भय खाएंगे कि तू यहोवा का है, मैं तुझे सभी जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, और तू पूंछ नहीं बल्कि सदा सिर ठहरेगा। जब आप अपने कर्तव्य को समझेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपकी जिंदगी का आने वाला समय इतना रोशन होगा कि आपकी आशीषें और रोशनी के सामने सूरज भी अंधेरा लगेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझे दे, ताकि मैं जीवन भर अपने घराने समेत आपकी सेवा कर सकूँ और आपके दुगने आदर को पा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की।